भाई दुख दे दिए इन्होंने सरकार ने, ठीक है। मेट्रो चल रही है प्रॉफिट में, मेट्रो सिर्फ किराए से नहीं कमाती, ये हर स्टेशन पे इनकी शॉप है, चार चार तीन तीन, हर शॉप का किराया देख लेना कितना है, ठीक है। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। 45 रुपीज़ लगे हैं आज नवादा स्टेशन से दिल्ली यूनिवर्सिटी तक आने के लिए, मतलब 100 रुपये तो यार आने जाने के लग गए। ओला ही ले लो तुम, इतना तो तेल नहीं लगता है। मेट्रो एक ऐसी चीज़ थी जिसने अमीरों और गरीबों को जोड़ दिया था, सारे बैठ के जाते थे साथ में। कहाँ जाएगा भाई मिडिल क्लास आदमी या नीचे, जो मिडिल क्लास से नीचे है। सीरियसली बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेट्रो में, बहुत सारे जने आते हैं, तो ये तो नहीं कि मेट्रो को कोई लॉस हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा होगा अकॉर्डिंग टू अस। जो कम पैसा कमाने वाला बंदा है वो कहाँ से एडजस्ट करेगा, कैसे एडजस्ट करेगा। इससे अच्छा तो मेट्रो सिर्फ पहले था लेकिन अब नहीं है। अब जो है इतना महंगा हो गया है मेट्रो कि अगर दो बंदे घर के फैमिली जाती है, चार पांच लोग, तो 500 रुपये किराया रखते हैं, तो उससे अच्छा तो हम ऑटो कर लें। जो किराया हमारा 10 रुपये 20 रुपये लगे किराया, आप सीधा 30 रुपये लग रहा है, उसकी पूरी परेशानी है। आदमी 6,000 रुपये 7,000 रुपये उसकी तनख्वाह सैलरी है, क्या कर सकता है वो बताओ। किराया 2,000 रुपये 3,000 रुपये रूम का किराया, तो यहाँ पर दिल्ली में आकर क्या करेगा। महीने का पहले मेरा 3,000 जाता था, अभी 160 और बढ़ गया रोज का, तो आप लगा लीजिए कितना हो गया। इतनी दूर का रास्ता है नहीं, जितना इन्होंने किराया बढ़ा दिया, और ऐसे इतनी भीड़ होती है और सीट भी नहीं मिल पा रही इतने किराए में, तो इससे अच्छा है कि हम बस में आए जाए। एसी वाली बस है उसी में भी इससे बेटर कन्वीनियंस है हमारा मेट्रो से ज़्यादा। तो दिल्ली मेट्रो का कहना कि वो घाटे में चल रही है। मेरे सबसे पहली बात मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि मैं जब भी जाता हूँ मैं खड़ा होकर जाता हूँ, मैं आज तक कभी बैठ के नहीं गया, सारी पूरी फुल रह रही मेट्रो, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता वो घाटे में कैसे चल रही है। Earlier it was 30 rupees. Then after the first hike it was 50, almost double. Now it's accurately double. It's now 60 rupees after the hike. So it's 120 both the ways. So it definitely is a problem. And being a student, I have to manage all my stuffs on my own. पहले तो आने जाने के टोटल लगते थे 60 रुपए के आसपास घर तक, और अब लग रहे हैं 150 रुपए। इस वजह से कोचिंग की भी सोचनी पड़ रही है कि जाए या ना जाए, ये प्रॉब्लम हो रही है सर। ये बहुत गलत है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए था, क्योंकि इससे हम जैसे स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट ही हूँ, तो जो स्टूडेंट आते हैं जाते हैं डेली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो वो तो उनका मंथली इनकम, मंथली खर्चा जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इट्स, और ये इतने सारे लोगों को एक साथ अफेक्ट कर रहा है, लेकिन इस पर कुछ भी मतलब क्यों किया, कैसे किया, किसी को एक्सप्लेन करने भी किसी को ज़रूरत नहीं महसूस होती है। सर्वाइव करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है, जहाँ पे 20 रुपये लग रहा है वहाँ 40 रुपये जस्ट दूना हो गया, आदमी की इनकम थोड़ी नहीं दूना हो जाती है। दिल्ली के अंदर 6 महीने के अंदर दोबारा दो दो बार मेट्रो का किराया बढ़ाया गया है। दिल्ली सरकार ये चाहती है कि इस किराए से जनता के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, मध्यम वर्गीय परिवारों पे बढ़ेगा, नौजवानों पे बढ़ेगा, छात्रों पे बढ़ेगा, और इसलिए सरकार ये कोशिश कर रही है पिछले 15 दिनों से कि जो बढ़ने किराया बढ़ा हुआ है इसको वापस लिया जाए। क्योंकि मेट्रो में 50% पार्टनरशिप दिल्ली सरकार की है और 50% की मालिक केंद्र सरकार है। दिल्ली सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद केंद्र सरकार अपने जिद पर अड़ी हुई है, और इसलिए आम आदमी पार्टी ने सड़क पर मेट्रो किराया बढ़ने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया है। कल भी हम ये सत्याग्रह करेंगे, और सरकार नहीं मानती है तो 13 तारीख को हम शहरी विकास मंत्रालय घेराव करेंगे। महंगाई की मार,